तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आई एम अब्रेज़ अहमद, आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर MBBS एट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड बोहर्स इफेक्ट एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस हेल्डेन्स इफेक्ट एंड व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेल्डेंस इफेक्ट की सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन। हेल्डेंस इफेक्ट कहता है व्हेन द ऑक्सीजन बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड। तो हेल्डेंस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विच इज रिप्रेजेंटेड इन द वॉल्यूम्स परसेंट एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिप्रेजेंटेड इन द मिलीमीटर Hg। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल ब्लड इज 40 इन द वीनस ब्लड इज 45 mmHg एंड इन द आर्टेरियल ब्लड इज 40 mmHg। एंड सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द आर्टेरियल एंड वीनस ब्लड इज बिटवीन अ रेंज 40 to 45 mmHg एंड विद इन दिस रेंज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज 50 volumes%। सो ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज थ्रू द थ्री फॉर्म्स, इन द डिजोल्व फॉर्म 7% इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाती है विद द हीमोग्लोबिन उस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है 23% एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस इट इज 70%। तो जब टिश्यूज़ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आता है टिश्यू कैपिलरीज में टिश्यूज़ रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू द प्लाज्मा और द ब्लड और ब्लड में जो RBCs होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड उनमें आ जाती है। फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का एक रिएक्शन होता है जो कि कैटालाइज करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज़ एन एंजाइम ऑफ द RBCs। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास बन जाता है कार्बोनिक एसिड एंड दिस कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस। तो ये बाइकार्बोनेट आइंस बनने के बाद हमारे पास दोबारा डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्रॉम द RBCs इनटू द प्लाज्मा और सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द कार्बन विच इज रिसीव्ड बाय द RBCs फ्रॉम द प्लाज्मा ये हमारे पास कंबाइन कर जाती है विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स दिस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। एंड जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस बने थे थ्रू द कार्बोनिक एसिड वो हमारे पास कंबाइन कर जाते हैं विद द हीमोग्लोबिन और ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके बाद जब यहाँ से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव कर लेता है फ्रॉम द टिश्यूज देन दिस ब्लड गोज टू द लंग कैपिलरीज और वहाँ पे लंग्स में हमारे पास आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई विच इज़ 100 mmHg। तो ड्यू टू दिस हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स और द एल्वियोलाई द ऑक्सीजन इज डिफ्यूजेज इन टू द ब्लड एंड इट बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो हीमोग्लोबिन बिकम्स हाईली एसिडिक। ड्यू टू दिस हाईली एसिडिक नेचर ऑफ द हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे पास ब्लड में वो रिलीज हो जाती है फ्रॉम द ब्लड इन टू द एल्वियोलाई एंड देन अल्टीमेटली इन टू द एयर और ये रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर होता है हमारे पास इन द टू वेज। द फर्स्ट वे इज अब जो ड्यू टू द हाईली एसिडिक नेचर ऑफ द हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की जो टेंडेंसी होती है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फॉर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फॉर्म है हमारे पास कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब जब हमारे पास इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी तो ये हाईली एसिडिक हो जाएगा और ड्यू टू दिस हाईली एसिडिक नेचर इसकी जो टेंडेंसी है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड वो डिक्रीज कर जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे डिसोसिएट हो जाएगी देन इट गोज इनटू द एल्वियोलाई एंड अल्टीमेटली इनटू द एयर। एंड सेकंड वे
सेकेंड वे ये है, जब हीमोग्लोबिन बन जाता है हमारे पास हाईली एसिडिक, देन इट रिलीजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आइंस, दीज हाइड्रोजन आइंस कंबाइन विद द बाइकार्बोनेट आइंस, दीज बाइकार्बोनेट आइंस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द बाइकार्बोनेट आइंस, और ये 70% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस, इसके साथ ये हमारे पास जो टिश्यू से रिलीज हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये अब टिश्यू से हमारे पास आ गई है लंग्स में, और लंग्स में जब हीमोग्लोबिन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, और उसके बाद वो रिलीज करेगा एच पॉजिटिव आइंस, ये एच पॉजिटिव आइंस कंबाइन करेंगे विद द आइंस कंबाइन करेंगे विद द बाइकार्बोनेट आइंस और बना देंगे अगेन हमारे पास बाइकार्बोनिक एसिड, दिस कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट्स इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, देन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एल्वियोली एंड देन अल्टीमेटली इनटू द एयर। ठीक है, अब जब ये सारा इवेंट हो जाएगा तो इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये तो हमारे पास थी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हेल्डेन्स इफेक्ट करता क्या है। अब ये हमारे पास है दो डिसोसिएशन कर्व्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, एक कंप्लीट कर्व है और एक डॉटेड कर्व है। जो कंप्लीट कर्व है ये हमने बनाई है व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 mmHg हमारे पास होती है एट द लेवल ऑफ लंग कैपिलरीज, एंड दिस डॉटेड कर्व इज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg एट द लेवल ऑफ टिश्यू कैपिलरीज। तो हमारे पास इन दो कर्व्स पे हमने डॉटेड कर्व पे पॉइंट ए लिया है और कंप्लीट कर्व पे हमने लिया है पॉइंट बी। पॉइंट ए पे हम देख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45 mmHg विच इज एट द टिश्यू लेवल या फिर टिश्यू कैपिलरीज, एंड एट दिस लेवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज 52 volume%। ठीक है, और एट पॉइंट बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg एंड एट दिस लेवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज 48 volumes%। सो वी कैन सी डैट देर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 volumes% ऑफ द इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एज इट पासिस फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है वो हमारे पास शिफ्ट हुई है डाउनवर्ड्स ऐसे। ठीक है, अगर हमारे पास ये कर्व शिफ्ट ना हो तो अब ये शिफ्ट होती है ड्यू टू द हेल्डेंस इफेक्ट। अगर हमारे पास हेल्डेंस इफेक्ट अगर ना हो और ये कर्व शिफ्ट ना हो डाउनवर्ड्स तो हमारे पास जो चेंज आएगा इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग्स वो आएगा सिर्फ 2 volumes% का, फ्रॉम द 52 to 50। When the blood goes into the lungs, partial pressure of oxygen rises, and due to the increased partial pressure of oxygen in the lungs, the carbon dioxide dissociation curve shifts downwards, and there is an increase of extra 2 volumes% in the concentration of carbon dioxide in the blood. So we can say that due to the Haldane's effect, there is an additional 2 volumes% loss of in the concentration of carbon dioxide as the blood passes through the lungs, and there is an additional 2 volumes% pickup in the concentration of the carbon dioxide as the blood passes through the tissues. So as a conclusion, we can say when the partial pressure of oxygen is increased as the blood passes through the lungs, which is 100 mmHg, more carbon dioxide is released from the blood into the alveoli and ultimately into the air due to the downward shift of the carbon dioxide dissociation curve. This is the Haldane's effect. So हमारे पास Haldane's effect है क्या? Haldane effect में ये है, जब blood जाता है in the lungs तो partial pressure of oxygen increase हो जाता है, due to this increase in partial pressure oxygen binds with the hemoglobin, and due to the this binding hemoglobin gets highly acidic, and due to this acidic nature its tendency for carbon dioxide is decreased, and the carbon dioxide dissociation curve is shifted downwards, and due to this downward shift of the carbon dioxide dissociation curve, we can see there is an additional 2 volumes% loss in the concentration of carbon dioxide as it passes through the lungs. So this is the importance of Haldane's effect, that it makes the transport of carbon dioxide faster and easier. Thank you very much.
तो ये था हमारा आज का टॉपिक हेल्डेंस इफेक्ट। तो एंड पे मैं यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं आपकी फीडबैक जान सकूँ, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली आस्क कर सकते हैं मुझे। मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप मेरी नई वीडियोस से नोटिफाइड रहें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।